फिनलैंड के प्रायोजक है। बीएमएच के मसाले अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आकांक्षा। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। बिहार भाजपा यूमो के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक नितिन नवीन ने संवाददाता सम्मेलन संबोधित करते हुए बताया कि इस बार की रैली पिछले साल हुए गांधी मैदान की सभी रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ेगी। उन्होंने दावा किया है कि आगामी 3 मार्च को होने वाली एनडीए की रैली में लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे और इस रैली को ऐतिहासिक बनाएंगे। पटना के हर सड़कों से गाजे बाजे के साथ आम जनमानस दिखेगा इस रैली में। सरकार को इसीलिए संकल्प रैली का आयोजन किया गया है 3 मार्च 2019 को गांधी मैदान पटना में। हाईकोर्ट एवं बहनों, नौजवान साथियों, 3 मार्च को एनडीए की रैली होने जा रही है गांधी मैदान पटना में। मुख्य रूप से ये प्रेस वार्ता आगामी 3 मार्च को जो संकल्प रैली का आयोजन हो रहा है एनडीए की तरफ से, उस रैली में अधिक से अधिक संख्या में किस प्रकार से युवा भाग लें, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो सबसे अधिक युवाओं की भागीदारी रही थी, और 2019 में फिर युवाओं में उसी प्रकार का उत्साह, और हम कह सकते हैं उससे दुगुना उत्साह देखने को मिल रहा है। तो जो पटना की ये रैली होगी, ये निश्चित रूप से जो पुरानी सभी रैलियों का जहां एक और रिकॉर्ड तोड़ेगी, वहीं दूसरी ओर सबसे अधिक युवा इस रैली में कैसे भाग ले, इसके लिए युवा मोर्चा ने एक पूरी रणनीति बनाई है। मोकामा नाजरेत हॉस्पिटल स्थित महिला सुधार गृह से देर रात 7 महिला कैदी फरार हो गई है। इस घटना के बाद नाजरेत महिला बंदी गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा हो गया। इस मामले का उद्भेदन होते ही मोकामा से पटना तक खलबली मच गई है। महिला कैदी की फरारी आखिर कैसे हुई, यह बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। महिला बंदी गृह से 7 कैदी की फरारी के बाद पटना के तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर गहन तफ्तीश में लगे हुए हैं। एक साथ 7 बंदियों का भाग खड़ा होना गंभीर मामला बन गया। फिलहाल महिला कैदियों की फरारी को लेकर पुलिस बंदी गृह की सुरक्षा का जायजा ले रही है। रजिस्टर को गाड़ी हो गई, हम तो सुबह ड्यूटी में थे। सीतामढ़ी नगर के रेलवे स्टेशन यात्रियों के सुविधा के लिए बिहार पुलिस के द्वारा जिले के शहरी इलाकों में निःशुल्क बस सेवा बहाल की गई है। डीआईजी रविंद्र कुमार द्वारा बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, और इसी के साथ ही रात्रि में यात्रियों के लिए बिहार पुलिस के निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत हुई है। वहीं यात्रियों के सुरक्षा के लिए बस में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। चलेगा बिल्कुल ले आना। बहुत अच्छा पहल है पुलिस द्वारा, ताकि यात्रियों को सुविधा मिलेगी और चोर उचक्के लूटमार सब बंद हो जाएगा। इससे आपको मतलब कोई तरह की तकलीफ तकलीफ का नहीं? इससे बहुत खुश हैं हम लोग। इस कदम जो प्रशासन द्वारा उठाया गया है, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। इससे लगता नहीं कि आप लोग को मतलब छीन छोड़ या कुछ हो होगा? पर ऐसा कुछ छीन छोड़ बंद हो जाएगा। पुलिस बहुत अच्छा कदम उठाए, पुलिस के लिए बहुत अच्छा वेलकम है उनके लिए। प्रयास प्रशासन द्वारा जो किया गया है बहुत ही बेहतर है, और इससे कानून सुचारू रूप से चलेगा, यात्री बिल्कुल सुरक्षित अपने घर पे पहुंच जाएंगे।
ये लोगों की सिक्योरिटी के लिए बिहार पुलिस के द्वारा एक्चुअली आईजी मुजफ्फरपुर के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू करेंगे जैसे लोगों की इच्छा है, और जब भी हम लोगों की अवेलेबिलिटी रहेगी बस की अवेलेबिलिटी फोर्स की अवेलेबिलिटी ये कंटिन्यू करते रहेंगे। बिहार पुलिस के द्वारा पहल किया जा रहा है रात्रि में स्टेशन से शहरी क्षेत्रों में रात भर बस भ्रमण करेगी, रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ये बस सेवा लगातार चलती रहेगी। जो भी यात्री जो रात में ठहर जाते हैं किसी भय से नहीं जाना चाहते हैं घर, उनको सही सलामत पुलिस के द्वारा उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचाया जाएगा। हिलसा नगर परिषद में ठेकेदारी प्रथा बंद करने और बकाए वेतन भुगतान की मांग को लेकर सफाई कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दिया है। सफाई कर्मियों ने नगर परिषद कार्यालय के मुख्य दरवाजा पर मृत मवेशी की हड्डी टांगकर उग्र प्रदर्शन किया। दरअसल सफाई कर्मियों का पिछले 3 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया। इसके पूर्व में भी इन कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल किया था, बाद में अधिकारियों के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म किया गया। बावजूद इसके इन लोगों की मांगों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। बोला नहीं सर, तो कहा थी ना कि बाहर से नोनियाइनी के लिए आवाथी चमैनी के लिए आवाथी कहा थी मारवा ना तो तोनी के फसाए तो हमने डोम जाती है सर तो हम लोग मर लगे भाई हम लोग आगामी लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक अनुमंडल कार्यालय शेर घाटी सभागार में अनुमंडल पदाधिकारी उपेंद्र पंडित की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें शेर घाटी अनुमंडल अंतर्गत 3 विधानसभा क्षेत्र क्रमशः शेर घाटी इमामगंज एवं बाराचट्टी के थाना अध्यक्ष एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी शामिल हुए। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी उपेंद्र पंडित ने बताया कि बैठक चुनाव को भयमुक्त एवं निष्पक्ष कराने को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। पुलवामा में हुए आतंकी हमले को आज पंचायती अखाड़ा के समीप से मुस्लिम सिया समुदाय के लोगों ने जुलूस निकालकर श्रद्धांजलि दी और पाकिस्तान देश के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं इस मौके पर सिया मस्जिद के इमाम ने बताया कि जो पुलवामा में फौजी मारे गए हैं हम उनके परिवार वालों के प्रति गहरी दुख प्रकट करते हैं और हर तरह से आतंकवाद का विरोध करते हैं। पाकिस्तान जो आतंकवाद का जन्मदाता है और आतंकवाद का पालन पोषण करता है उसके खिलाफ एक्शन लेने में किसी तरह का कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। पुलवामा में जो हिंदुस्तानी फौजी मारे गए हम उनके घर वालों से गहरी दुख और यकजहती का इजहार करते हैं और जो लोग भी इस वाकये में शहीद हुए हैं हमारी उनके अहले खाना के साथ उनके परिवार के साथ हम उनके साथ इजहार हमदर्दी करते हैं और साथ साथ हर तरह के आतंकवाद की पुरजोर मसम्मत करते हैं। पाकिस्तान जो आतंकवाद का जन्मदाता है और आतंकवाद का पालन पोषण करता है हमको उसके खिलाफ किसी भी तरह का एक्शन लेने में संकोच करने की जरूरत नहीं है। प्रेस वार्ता कर सारण एसपी हरि किशोर राय ने बताया कि सारण पुलिस द्वारा गोपनीय सूचना के आधार पर अवतार नगर थाना अंतर्गत ग्राम कोठिया से मोहन राय को गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है। पकड़ाए गए मोहन राय के अपराध स्वीकृति के आधार पर अवतार नगर थाना अंतर्गत ग्राम घनौरा से विनोद सिंह उर्फ रंगबाज को अवैध अग्नियास्त्र गांजा जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। सारण एसपी ने बताया कि विनोद सिंह वर्ष 1985 में मारपीट तथा वर्ष 2009 में अवैध अग्नियास्त्र रखने के मामले में जेल जा चुका है। अवैध गांजा के कारोबार से
कि खरीद फरोख्त के क्रम में वो पैसा एकत्रित इनके द्वारा किया गया। इसमें दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हैं, प्राथमिकी दर्ज करके उन्हें जेल भेजा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए ट्राइडेंट सेवा संगठन ने बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र में कैंडल मार्च निकाला। साथ ही वीर शहीद अमर रहे पाकिस्तान मुर्दाबाद, अब की बार आर या पार सहित कई नारे भी लगाए। इस दौरान ट्राइडेंट सेवा के प्रदेश अध्यक्ष विवेकानंद ठाकुर ने कहा कि सीआरपीएफ पर हमलावर पाकिस्तान ने कायराना हरकत किया है, जिसे मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। बक्सर स्थानीय किला मैदान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी जड्डा के कार्यक्रम में एक भी जनता नहीं दिखी, पूरा का पूरा मैदान खाली रहा। वहीं दूसरी तरफ आयोजन के दौरान जहां अलग अलग रोगों के इलाज के लिए विभिन्न तरह के कैंप लगाए गए थे, वहीं ज्यादा भीड़ भाड़ के साथ ही तमाम तरह की खामियां भी देखने को मिली। लंबी कतारों में जहां लोगों को परेशानी हो रही थी, वहीं ज्यादा भीड़ और व्यवस्था के चलते एक महिला वहीं पर बेहोश हो गई। वहीं पीने के पानी के लिए भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वो लगाने जा रहे हैं, ये आज उसका भी विधिवत उद्घाटन माननीय मट्टा नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा होने जा रहा है। आरोग्य श्री द्वारा द्वितीय टेली मेडिसिन दवा एवं बिहार के सभी जिलों में इसका आयोजन स्वास्थ्य महाकुंभ लग रहा है। 3,10,00,000 लोगों को बिहार में देखा गया था उस समय 2010 से 2012 के बीच। भाई और बहनों, आज भी रजिस्ट्रेशन होगा, दवाइयां भी फ्री दी जाएंगी। आगे का अगर कोई शल्य चिकित्सा होगा, कोई बड़ी बीमारियां होगी, तो उनके लिए अपने बिहार सरकार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेक्सिको की आबादी, ये तीनों की आबादी जोड़ दे तो वो भारत का आयुष्मान भारत बनता है। और गरीब लोगों को 5,00,000 रुपए का हेल्थ कवरेज देने का कार्यक्रम किया। आप सोचिए प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच। और ये कौन लोग हैं जिनको गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पैसा मिल रहा है 5,00,000 रुपए सालाना? ये वो लोग हैं जो कभी हॉस्पिटल जाने की हिम्मत नहीं करते। किसान और मजदूर खेत बेच करके अपने और अपने कर्जन का इलाज करते थे। वह दिन अब दूर हो नहीं। अब आने वाले दिनों में जो 10 करोड़ परिवार के 50 करोड़ लोगों के लिए ये आरोग्य बनाने के लिए ये नमो कैर के रूप में जो दुनिया में तहलका मची है। महाकुंभ में डुबकी लगाओ और अपने शरीर को स्वस्थ करो। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पूरा देश सर्वे संतु निरामया, सभी आरोग्य रहे, इसी कामना के साथ आपका चिकित्सक आपके द्वार पर चिकित्सकों के द्वारा सभी प्रकार की जांच, देश के नामचीन चिकित्सक और विदेशों से भी, लंदन अमेरिका से भी चिकित्सक की टीम आई है और आ रही है। इतने बड़े मेला पहली बार मुझे लग रहा है कि बक्सर के इतिहास के लिए आज तक इस प्रकार का कोई मेला नहीं था। बिहार में भी जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो उसमें 11,000 कुंभ मेले हमने लगाए थे 3 साल, 11,000 और महाकुंभ भी भागलपुर में लगा था। आज उससे भी बड़ा महाकुंभ मेला, देश के नामचीन 200 से ज़्यादा चिकित्सक गण यहाँ पधार रहे हैं। यहाँ कुंभ मेला लगा हुआ है। कौन सा कुंभ? कौन सा? ये चिकित्सा का कुंभ है। बक्सर में लगा हुआ है, यही सुनकर के हम यहाँ आए। कुंभ लगा हुआ है स्वास्थ्य मेला का, कि स्वास्थ्य महाकुंभ हो रहा है। इसलिए हमको शरीर में कष्ट और कमर में दर्द रहता है हमेशा, और भी बीमारियाँ हैं, इसके लिए यहाँ पर हम इलाज कराने के लिए आए हैं। और ये अच्छा चीज़ है, सरकार ने बहुत बड़े इंतजाम किया है,
भी बहुत परेशानी होती है, परेशानी के ही फायदा होता है, उसे घबराने की जरूरत नहीं किसी को, घबरा रहा हूँ गलत काम कर रहा हूँ। बिहार शरीफ के बाबा मनीराम अखाड़ा में 11 दिवसीय श्री महारुद्र यज्ञ सह संगीतमय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का शुभ आरंभ हो गया है। इस मौके पर महिलाओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर का भ्रमण करते हुए पुनः बाबा मनीराम अखाड़ा पहुंचा, जहां मंत्रोच्चारण के साथ भी यज्ञ का शुभ आरंभ किया गया। इस मौके पर यज्ञ के आयोजक विश्वनाथ मिश्रा ने बताया कि 23 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक चलने वाले इस महायज्ञ में भारी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु शामिल होंगे। यह जो यज्ञ है श्री महारुद्र यज्ञ सह संगीतमय रामकथा ज्ञान यज्ञ है, और यह 11 दिवसीय है, जो कि 23 फरवरी से चल करके 5 मार्च तक के चलेगी। और आज जो है हमारा प्रथम दिन है, मैंने कलश यात्रा है, जो कलश का रूट मैंने यहाँ से टाउन स्कूल होते हुए, नीमगंज होते हुए, महल पर होते हुए, खंदक पर होते हुए, वहाँ से जो है बिजली खंदक होते हुए पुल पर भूसट्टा मैंने भ्रमण करते हुए अखाड़ा पर पहुँच जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए बिहार न्यूज के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।